नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर के प्रायोजक है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। 2019 की जंग जीतने के लिए राहुल ने बनाई कोर कमेटी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मिशन 2019 को ध्यान में रखते हुए आज 3 समितियों का गठन किया है, जिनमें कोर ग्रुप कमेटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन 3 समितियों का मुख्य काम चुनाव संबंधी समन्वय, घोषणा पत्र और प्रचार संबंधित मामलों पर ध्यान देना है। राहुल गांधी द्वारा गठित की गई 9 सदस्यीय कोर ग्रुप कमेटी में AK एंटनी, गुलाम नबी आज़ाद, पी चिदम्बरम, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला और KC वेणुगोपाल को शामिल किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने 19 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन किया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करना है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने 13 सदस्यीय पब्लिसिटी कमेटी का भी गठन किया है। इस कमेटी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। ये कमेटी चुनाव के दौरान पार्टी के प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालेगी। पार्टी के महासचिव अशोक गहलोत ने पार्टी द्वारा गठित की गई 3 समितियों का ऐलान करते हुए कहा कि इनके गठन के साथ ही कांग्रेस अब इलेक्शन मोड में प्रवेश करने जा रही है। खबरदार की रिपोर्ट। देखते रहिए खबरदार।